आज शिक्षक दिवस है, शिक्षकों का सम्मान की बात की जा रही है, लेकिन ब्यावर के छावनी गर्ल्स विद्यालय में एक ऐसा मामला आया है जहां पर शिक्षकों के सम्मान को ठेस पहुंची है। और वो कोई विद्यार्थी या कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, बल्कि वही शिक्षिका है जो शिक्षकों के हित की बात करने वाली है, लेकिन यहां उनके साथ शोभनीय व्यवहार नहीं होने के चलते तमाम शिक्षक नाराज हैं। और यही माजरा है तमाम, क्या पूरे मामले की जानकारी क्या है, कैसे ये विवाद उठा है, इस बारे में हम पूरी बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आपका शुभ नाम। धन्ना सिंह रावत। धन्ना जी, क्या पूरा मामला है? आज एक राजकीय बालिका उस माध्यमिक छावनी बालिका में एक मामला आया है कि प्रधानाचार्य सीमा कृपलानी ने इस विद्यालय स्टाफ के प्रति निकम्मे, कामचोर, उठाई गरे, निठले जैसे शब्दों को शिक्षक दिवस पर व्हाट्सएप पर डाल के हमारे पूरे शिक्षक समाज को बदनाम किया है। आज शिक्षक दिवस है, शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए। सम्मान होने के बजाय पूरी छावनी विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिका बहनों का अपमान किया गया, हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। कामचोर, निठले, उठाई गिरे कौन होते हैं? हमारे शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, इनका सम्मान होना चाहिए। आज 5 सितंबर का दिन है, ऐसे में प्रधानाचार्य सीमा कृपलानी ने जो अभद्र घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है, ऐसी प्रधानाचार्य को तुरंत निलंबित किया जाए। और जब तक निलंबन नहीं होता है, शिक्षक राष्ट्र यहाँ धरने पर बैठेगा। हम आज हमारे डीओ साहब से अभी बुलाया है, मांग करते हैं कि ऐसे निकम्मी प्रधानाचार्य को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। हमारे शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए। आज शिक्षक दिवस पर यहाँ पर एक सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है, उस कार्यक्रम का भी हम बर्खास्त करते हैं। जब तक इस पर निर्णय नहीं होता है, तब तक कोई कार्यक्रम नहीं होगा। हमारे शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, उनका सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। जय हिंद। जिस व्हाट्सएप ग्रुप पर ये अशोभनीय बात कही गई है, जिस तरह शिक्षकों के शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो क्या शोभनीय है? आखिर ये कौन सा ग्रुप है, इस पूरे बारे में जानते हैं। ये कौन सा ग्रुप है जिसमें ये कहा गया है? विद्यालय ग्रुप है। तो क्या ये ऐसी विवादित टिप्पणियां पहले भी की जाती रही या ये आज शिक्षक दिवस के दिन ही ये हुआ? पहले भी ये हुई है सर, बट उसको इग्नोर किया गया। बट आज के दिन तो बहुत ही असहनीय था कि शिक्षकों का इस तरीके से अपमान करना। तमाम शिक्षकों के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, आप कह रहे हैं कि पहले भी ऐसा होता रहा है, तो क्या पहले कभी आपने शिकायत नहीं की है या उनसे कोई बातचीत आप तमाम स्टाफ की हुई है, क्या कोई निर्णय निकल पाया है? पहले हमने ऐसे शिकायत की नहीं, जो भी काम आया हम करते गए और अपने बखूबी हमने सारे कार्यक्रम निभाए। यहाँ पर छावनी स्कूल में वैसे भी बहुत सारे कार्य होते हैं, इतना ओवरलोडेड है सब शिक्षक कि किसी भी कार्य के लिए कभी मना नहीं करते हैं, और अभी तक जितने भी कार्य होते हैं सफलतापूर्वक होते हैं। तो फिर आज इस तरह का टिप्पणी जो देना, वो भी शिक्षक दिवस के दिन, ये शुभकामना जो हमें मिली है आज, तो वो एक अपमानजनक शब्द जो थे वो हमसे अच्छे नहीं लगे। आपको नहीं लगता कि शिक्षक दिवस के ऊपर आपके साथ मिली ये बात हुई है, लेकिन इसका प्रभाव कहीं ना कहीं बच्चों पर भी पड़ता? बिल्कुल पड़ता, लेकिन हमने बच्चों के सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई है। बच्चों के सामने तो हमने आज शिक्षक दिवस बहुत सफलतापूर्वक बच्चों के साथ मनाया और वहाँ पे हमारी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम तो सभी मिलकर जो निर्णय लेते हैं विद्यालय के, क्योंकि आप केवल ना केवल स्टाफ जो आपका है, बल्कि आपको पूरा शिक्षक संघ का भी समर्थन मिल चुका है। अब ऐसे में तमाम शिक्षक अब एक ही मंच के नीचे आके एक संस्था प्रधान के खिलाफ पूरी तरह पुरजोर हो गई? हुई तो है, पुरजोर है सभी, मतलब सबको बुरा लगा है। बस यही है कि हम इसके आगे दे रहे हैं कि हमें आज अच्छा नहीं लगा। मैं जानना चाहूंगा, आपके पास में जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो फोटो कॉपी है, मुझे आप दिखाना चाहेंगे? ये तमाम शिक्षक जो यहाँ पर मौजूद है, उनकी जो नाराजगी है वो दरअसल इस बात को लेकर, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये जो सामने आप देख रहे हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप है, इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम विद्यालय फोटो कर आ रहा है, जिसके अंदर तमाम शिक्षक इसमें ऐड हुए हुए हैं। और इसमें आज शिक्षक दिवस के अवसर पर संस्था प्रधान जो कि सीमा कृपलानी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे भी मुलाकात करने की कोशिश करूंगा। इन्होंने आज इस पर ये रिप्लाई दिया है कि समस्त चोरों, उचक्कों, उठाईगिरों, कामचोरों, निकम्मों, गुरु घंटालों को छोड़कर ज्ञान के प्रकाश को आलोकित करने वाले तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, शिक्षा के प्रति समर्पित गुरुजनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। तो ऐसी शुभकामनाएं प्रेषित की है, मैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करता हूं कि आखिर आपकी नजर में ये मामला, तमाम शिक्षक नाराज हो रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, मेरा किसी व्यक्ति विशेष को आहत या चोट पहुंचाने का कोई भी नहीं था। वर्तमान शिक्षा विभाग में कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने शिक्षा को शर्मसार किया है। केवल उनकी तरफ व्यंग स्वरूप ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। मेरे किसी विद्यालय के शिक्षक को या किसी अन्य विशेष शिक्षक को परिलक्षित करके ये पंक्तियाँ नहीं लिखी गई हैं। और ये हमें स्वतंत्रता है कि हम जो है अपने विचार अभिव्यक्त करें, ताकि शिक्षा जैसा जो महान ये सेवा का कार्य है,
वो और ऊपर उठ सके और वो बार बार जो शर्मसार हो रही है न हो, लेकिन ये शिक्षक संगठनों के द्वारा व्यक्तिगत वैमनस्यता के कारण जो मुझे टारगेट बनाया जा रहा है ये उचित नहीं है। आप इस मैसेज में देखें ना तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम है और ना कुछ है, और इसमें ये भी लिखा है कि इनको छोड़ करके मैम देखिए आप लिख रहे हैं कि चोरों उचक्को उठाई गिरोह काम चोरों निकम्मो गुरु घंटालों को छोड़कर ज्ञान के प्रकाश को आलोकित करने वाले तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी शिक्षा के प्रति समर्पित गुरुजनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। यानी आपकी शुभकामनाएं तो शिक्षकों को ही देना चाह रही हैं, यानी कहीं ना कहीं टारगेट तो शिक्षक ही हैं। मेरी बात सुनिए, आप ये समझिए कि कई हमारे यहाँ ऐसे भी शिक्षक हैं जो दंडित हुए हैं, जो निलंबित हुए हैं, जो विभाग के द्वारा जो है कई स्तरों पे जिनको दंडित किया गया है। कई ऐसी घटनाएं जो शर्मसार करने की घटनाएं हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं। ये घटनाएं ना हो, हमारा शिक्षा विभाग जो है कहीं भी इस तरह की से उसको नीचा ना देखना पड़े। केवल इसको लिखते हुए मैं कई बार कुछ पंक्तियां लिखती रहती हूँ जो मेरे जहन में उथल पुथल लेती हैं। किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट लेकर के या किसी का नाम लेकर के ये पंक्तियां या ये शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। यदि किसी को अनुचित लगा है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, मेरी मंशा ऐसी नहीं थी। यदि किसी ने इसको व्यक्तिगत रूप से लिया है तो क्यों लिया है, जबकि मेरी ऐसी कोई मंशा किसी को आहत करने की नहीं थी। लेकिन शिक्षक संगठनों के द्वारा अनावश्यक रूप से इसको टूल बना करके मुद्दे को उठाया जा रहा है, ये उनकी व्यक्तिगत वैमनस्यता है। जैसा कि वो कह रहे हैं कि धरने पर बैठे हैं, निलंबित की मांग की जा रही है, तो ऐसे में विरोध बढ़ता जा रहा है, तो क्या आपने बातचीत का कोई प्रयास किया? सर मेरे पास कोई बातचीत करने आया नहीं, और ये बस मेरे विद्यालय में आकर यूं लगातार नारे लगा रहे हैं जो उचित नहीं है। एक शिक्षा संस्था में शिक्षकों को, यदि आपको किसी से आपत्ति थी या आपको ऐसा लग रहा था कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया गया है, तो वो आ जाते मेरे पास बातचीत कर लेते यदि उन्हें ऐसा लगा है। और ये मेरे विद्यालय का ग्रुप था और उस विद्यालय में मैंने अपने एक विचार व्यक्त किए जो एक सार्वजनिक विचार है। इसमें बाहर के शिक्षकों को, शिक्षक संगठनों तक कहाँ तक बात पहुँच रही है, ये गलत है। इस रूप में इसको तूल देना गलत है, जबकि आज हमारी लेखनी स्वतंत्र है और हम विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मैं खुद एक शिक्षिका रही हूँ और मेरा ये मानना है कि जब तक हम व्यवस्था पे चोट नहीं करेंगे, जहाँ हमारी कमियाँ हैं उनको उजागर नहीं करेंगे, तो उनमें सुधार संभव नहीं है। मेरी मंशा केवल उस सुधार की अपेक्षा के कारण थी, न कि इस तरह का विवाद उत्पन्न करने की या किसी को आक्षेप करने की। तो यहाँ पर सीमा कृपलानी का कहना है कि हालांकि पहली बात तो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर इनकार किया है, लेकिन फिर भी अगर कोई इसे लेता है तो क्षमा भी यहाँ पर उन्होंने मांगी है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से ये विवाद पनपा है, उनमें सीमा कृपलानी का तो साफ कहना है कि ये जिस तरह की वारदातें आए दिन शिक्षा विभाग में देखने को मिलती है, तमाम शिक्षक जिस तरह से निलंबन होते हुए हैं, जो आरोप लगते रहे हैं उनको लेकर उनका ये प्रसंज्ञान था, लेकिन निजी तौर पर उन्होंने इस तरह से इनकार किया है और फिर भी क्षमा मांगी। लेकिन फिर भी क्या शिक्षक संघ या तमाम जो स्टाफ है वो इनकी बात से सहमत हो पाएगा, अगला कदम क्या हो पाएगा, ये देखने लायक होगा। कैमरामैन विष्णु जलवाने के साथ कुलभूषण उपाध्याय, जे स्टार न्यूज़।